ज्ञान निगमन का क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट थ्री वीडियो है, पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। आज की क्लासेस रहेगी ज्ञान निगमन यानी कि कथन और निष्कर्ष है। ये आपके पीएससी प्री एग्जाम 2023 में होने वाला है, उसमें योग्यता परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं व्यापम पीएससी की, तो चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस कराया जा रहा है गणित की, ठीक है। शाम 5 बजे की क्लास रहती है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और एक साथ और बता देना चाहता हूँ कि देखिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जितने भी एग्जाम होते हैं, मैंने एनालिसिस किया है, उसमें कथन और निष्कर्ष है यानी कि न्याय निगमन से, सोलोसिज्म से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिल सकता है। और रही बात पीएससी प्री एग्जाम की, उसमें तो 3 से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं कथन और निष्कर्ष से। मैंने पुराने पेपर का मैंने जब एनालिसिस किया है, उसमें 3 से 4 नंबर के प्रश्न कथन और निष्कर्ष से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू में बता दिया हूँ, उसमें वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन आप सभी को बता दिया हूँ। कल के क्लास में पूरा वेन डायग्राम से क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो पर, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्या पता ऐसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके व्यापम और पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है, कथन कहता है कि सभी राजा मंत्री होते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कुछ मंत्री किसान होते हैं। ये आपका कथन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार निष्कर्ष है, उसके बाद हम वेन डायग्राम से मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे बनता है, अगर वेन डायग्राम का पार्ट वन वीडियो आपने देख लिया, वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, चित्र आरेख कैसे बनाया जाता है, वो वीडियो आपने समझ लिया, इसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, कोई भी एग्जाम में यह प्रश्न नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो जाइएगा कल के वीडियो को पूरा क्लासेस कर लीजिएगा, पार्ट वन का, पार्ट टू का डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया हूँ, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट पूरा डिवाइस के साथ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष कहता है कि कुछ किसान मंत्री होते हैं, तो सबसे पहले कथन को हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि कथन सभी राजा मंत्री होते हैं क्या, तो देखिए सभी राजा, ये आपका क्या हो जाएगा, राजा, ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी राजा मंत्री होते हैं, ये आपका हो जाएगा मंत्री, ठीक है। क्या सभी राजा मंत्री होते हैं, वीडियो को देखिए, वेन डायग्राम यानी कि तीर का आरेख का मैं आपको प्रदर्शित करा रहा हूँ। सभी राजा मंत्री होते हैं, ये आपका सभी राजा हो गया, मंत्री होते हैं। कुछ मंत्री किसान होते हैं, अब कुछ मंत्री, कुछ थोड़ा सा, कुछ मंत्री क्या हो रहा है, किसान हो रहा है, ठीक है। ये जो कुछ मंत्री है, छोटा सा भाग, वो आपका किसान है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। पहला कहता है कुछ किसान मंत्री हैं, कुछ किसान, ये जो कुछ किसान है आपको मंत्री है, पहला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। उसी प्रकार है सही, सभी मंत्री राजा होते हैं, क्या सभी मंत्री राजा हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेकंड आपको गलत हो जाएगा, यहाँ पर अगर सभी मंत्री क्या बोला है, राजा होते हैं, तो इस प्रकार आता है सभी मंत्री, ये देखिए, ये आपका सभी मंत्री, ये आपका राजा, और डायग्राम किस प्रकार बना है, इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर गलत आंसर आएगा। अगर इस प्रकार बनता यह डायग्राम तो बिल्कुल सही होता सेकंड निष्कर्ष, लेकिन यह वाला नहीं पूछा गया है, ठीक है, ये आपका नहीं पूछा है। अब देखते हैं तीसरा, कहते हैं कुछ राजा किसान होते हैं, कुछ राजा, तो यहाँ ये बिल्कुल अलग हो गया। देखिए कुछ राजा क्या बोल रहे, किसान होते हैं, इसमें जुड़ा ही नहीं है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष आपका कहता है कि कुछ किसान मंत्री हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ किसान, ये आपको कुछ किसान क्या हो गया, मंत्री हैं, ठीक है। कुछ का मतलब कैसे दर्शाया जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे कि एसपी, यानी कुछ एसपी हैं, कुछ एसपी हैं, अगर पूछा जाए कैसे बराबर हो गए, ये आपका एस हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कुछ एसपी हैं, अगर कुछ एसपी नहीं है पूछा जाएगा, कुछ एसपी नहीं है, तो अब किस प्रकार का डायग्राम बनाओगे, एस और ये आपका पी, यानी कुछ एसपी नहीं है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर सभी एसपी है पूछा जाता, अगर सभी
एस पी है पूछा जाता है, तो किस प्रकार बनाते हैं इसको, सभी एस पी हैं और कुछ पी एस भी हैं, कुछ पी एस भी हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया मैं क्या समझाना रहा हूं, क्या समझा रहा हूं वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकंड कहता है, सेकंड कथन कहता है कि सभी चिड़िया फल हैं, क्या सभी चिड़िया फल हैं, तो देखिए डायग्राम बनाता हूं मैं, क्या सभी चिड़िया फल हैं, ये आपका हो जाएगा चिड़िया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा चिड़िया, ठीक है, सभी चिड़िया फल हैं, ये आपका आ जाएगा फल, क्या आ जाएगा फल, सभी चिड़िया फल हैं कथन के अनुसार, ठीक है। सेकंड कहता है कुछ फल सब्जी, अब कुछ फल ये आपको कुछ फल सब्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा सब्जी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा सब्जी। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, ये आपको कुछ ये सभी चिड़िया क्या हो गया है फल हैं और कुछ फल आपका सब्जी। निष्कर्ष कहता है कि कुछ चिड़िया सब्जी हैं, कुछ चिड़िया सब्जी हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, देखिए चिड़िया यहाँ पर बना है और सब्जी यहाँ पर बना है, यानी कि डिफरेंट, इसमें एक भी टच नहीं हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्या जाएगा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन पहला गलत है। कुछ सब्जी फल हैं, कुछ सब्जी फल हैं, यानी कि देखिए सब्जी वाला और ये फल वाला बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कुछ सब्जी फल हैं, ये आपका सब्जी हो जाएगा, ये आपका फल हो जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा, तो आप कहेंगे सर सेकंड होगा निष्कर्ष, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया, कहां पर डाउट है, कहीं पर डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर सेकंड आएगा, उसी प्रकार इसका आंसर कौन सा होगा, पहला होगा कथन का, ठीक है। यहां तक वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ क्या, बिल्कुल समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना हो सके स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। चलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम पीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे जितने भी परीक्षाएं हुआ है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना 70% बढ़ जाती है, मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा जो चैनल पर नए हैं, तो देखिए ये आपका एसएससी बैंकिंग पीएससी रेलवे जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आया हुआ प्रश्न है, तो डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, अरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। इसका आंसर जिनको मालूम है कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जिन बच्चे को पता नहीं है ये ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और जिनको पता है कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। देखिए ये डायग्राम को ध्यान से समझना, ये आपका जो गोल है वृत्त की आकृति दिखाई दे रही है वो आपका चॉकलेट है, ठीक है, क्या है चॉकलेट। उसी प्रकार ये डब्बा है यानी कि वर्ग, ये आपको वेनिला है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है, आपको पता है स्ट्रॉबेरी किसे कहते हैं, ठीक है। ये जो तीन आकृति दिया गया है इस डायग्राम में बना हुआ है, और यहाँ जो बीच बीच में जो संख्या दिया हुआ है वो इसमें बना हुआ है, वही आपका क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं, कितने बच्चे हैं जो चॉकलेट, कितने बच्चे हैं जो चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं, ये वाला देखिए चॉकलेट और वेनिला दोनों को ही पसंद करते हैं, तो आंसर ए आपका 7 आएगा, आंसर बी 12, आंसर सी 13, आंसर डी 15, तो ध्यान से समझिएगा किस प्रकार बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितने बच्चे हैं जो चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं, चॉकलेट और वेनिला, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, चॉकलेट किस में आ रहा है, देखिए जो ये आपका वृत्त है यहाँ पर देखिए इसमें आ रहा है, ठीक है, और जो आपको वेनिला है, चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा, दोनों को पसंद कर रहे हैं, देखिए ये आपको गोल आकृति ये पूरा इतना में घिरा हुआ है, और जो वेनिला है डब्बा यहाँ तक, ठीक है, देखिए इस प्रकार ऐसा घिरा हुआ है और यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है, ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच में ये आपको 15 दिखाई दे रहा है, ये आपका देखिए ये वाला भाग, ये वाला ये आपका चॉकलेट और वेनिला दोनों को ही पसंद कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट,
ऑप्शन डी 15 हो जाएगा, जो कि चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करने वाले बच्चे हैं 15 व्यक्ति। ठीक है, 15 बच्चे हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों का आंसर डी आया है बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले, देखिए वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अनुपात निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम वेनिला निकालेंगे, उसी प्रकार चॉकलेट निकालेंगे। ठीक है, वेनिला और चॉकलेट पसंद करने वाले बीच का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है 39:55, ऑप्शन बी कहते हैं 12:15, ऑप्शन सी कहता है 39:40, ऑप्शन डी कहता है 39:56। क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए वेनिला कितने लोग पसंद कर रहे हैं, आपको वेनिला हो गया है, और चॉकलेट ये आपका चॉकलेट हो गया है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, वेनिला और चॉकलेट टोटल निकालना है आपको, टोटल अनुपात। तो आपका देखिए कितना है, चॉकलेट यहाँ पर आपका 30, सबसे पहले इसको नोट करते हैं 30 प्लस ये आपको पहले चॉकलेट निकाल लेते हैं। ठीक है, चॉकलेट के अंदर कितना है आपका 7 प्लस ये आपका 15। ठीक है, ये क्या हो गया आपका चॉकलेट हो गया, चॉकलेट। अब निकालते हैं वेनिला, यहाँ पर चॉकलेट पसंद कर लिए। ठीक है, एक मिनट ना, वेनिला पसंद कर रहे हैं ना, ये आपका वेनिला हो गया है और ये आपका चॉकलेट हो गया है। ठीक है, चॉकलेट के लिए निकाल लिए, अब वेनिला के लिए निकालेंगे, यानी कि वेनिला यानी कि जितने भी डब्बा है वर्ग है उसमें जो संख्या है उसको निकालेंगे। तो आपका वेनिला निकालते हैं कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितना कितना है। वेनिला आपका 15 हो गया, 12 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, कितना है ये आपका हो जाएगा 39 और ये आपका हो जाएगा 55। तो चॉकलेट और वेनिला का जो अनुपात है 39:55 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है 39:55, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा और बिल्कुल सही है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जो लोग अगर ऐसे ही एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराए जा रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे ये क्लास लेकर। ठीक है, पार्ट 4 लेकर बिल्कुल क्लास करते रहिएगा, डेली आपको करा रहा हूँ मैं। ठीक है, आज का इतना ही, थैंक यू।